हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यू इन दिस क्लास एंड टुडेज क्लास इज रिलेटेड टू हिस्ट्री चैप्टर कॉलोनिज्म अर्बनाइजेशन एंड डी अर्बनाइजेशन। आज हम बात करेंगे उपनिवेशवाद शहरीकरण एंड डी अर्बनाइजेशन डी शहरीकरण इसके बारे में आज हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। हम जानेंगे किस तरह से कॉलोनियल पीरियड्स में अर्बनाइजेशन की प्रतिस्पर्धा शुरू हुई थी। अर्बनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्बनाइजेशन हियर। अर्बनाइजेशन इज द ग्रोथ ऑफ टाउन्स, टाउन्स का डेवलपमेंट इन ह्यूमन नंबर्स, ह्यूमन पीपल्स, पीपल्स की संख्या के रूप में, विच लीड्स डायरेक्टली टू द एक्सपेंशन ऑफ टाउन्स लिमिट, जो बताता है डायरेक्टली जो एक्सपेंशन है टाउन्स की लिमिटेशन का, उसकी वृद्धि को बताता है। इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इट चेंज इन फंक्शंस एज ए सेटलमेंट्स फ्रॉम रूरल टू अर्बन कैरेक्टर्स, ये परिवर्तित कर देता है सेटलमेंट्स को रूरल से अर्बन में। इट डिवाइड्स ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल, और यह डेवलप होता है किसके कारण, इंक्रीजमेंट के कारण नंबर्स में, पीपल्स की नंबर्स में, एंड कमिंग इनटू ए टाउन, जो कि टाउन्स में प्रवेश करते हैं। इट कोज प्रोपोर्शनल इंक्रीज, और यह प्रोपोर्शनल अनुपातिक इंक्रीज को बताता है इन फिजिकल साइज ऑफ टाउन। एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न अर्बन सेंटर्स जो माने जाते हैं वो है न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, मस्काओ, लागोस, इबेडन, कसानो, इनगू एंड पट्रोया, ये सब एग्जाम्पल माने जाते हैं मॉडर्न अर्बन सेंटर्स के। बेनिफिट्स ऑफ अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन के क्या बेनिफिट्स होते हैं। अर्बनाइजेशन हैज ऑल्सो फैसिलिटेड सोशल डेवलपमेंट इन द रीजन प्रोविजन ऑफ बेसिक सर्विस, बेसिक सर्विस के आधार पर ये रीजन प्रोविजन में डेवलपमेंट को बताता है, जिसमें इंक्लूड होता है हेल्थ एंड एजुकेशन एंड वाइडली डिस्प्रेस्ड पॉपुलेशन इन रिमोट आइजलैंड, जो आइजलैंड्स हैं रिमोट दूर दराज के आइजलैंड्स हैं, वहाँ से डिस्प्रेस्ड आगमन को, जनसंख्या के आगमन को बताता है, जिसके कारण जो दूर दराज के आइजलैंड हैं वहाँ से जनसंख्या को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया जा सकता है। यह बहुत डिफिकल्ट माना जाता है और बहुत अधिक कॉस्टली भी है देन टू पॉपुलेशन कंसनट्रेट इन टाउन्स, जो टाउन्स में जनसंख्या रहती है उनकी तुलना में। इन द ट्रांजिशन फॉर्म कॉलोनियल गवर्नमेंट सेंटर्स टू मॉडर्न टाउन्स कैपिटल्स इन मैनी पैसिफिक कंट्रीज, ट्रांजिशन इस ट्रांजिशन प्रोसेस में कॉलोनियल गवर्नमेंट सेंटर्स जो थे वो मॉडर्न टाउन्स में बदल गए एंड कैपिटल्स इन मैनी पैसिफिक कंट्रीज एंड हैव बिकेम डाइवर्सिफाइड प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल इन मैनी एक्टिविटीज, और डाइवर्सिफाइड किया गया उनको, इसके कारण बहुत सारी एक्टिविटीज़ को बढ़ावा मिला, जस्ट एक्टिविटी इंक्लूडिंग टूरिज्म, जिसमें टूरिज्म को भी शामिल किया जाता है। अब प्रॉब्लम्स क्या थी अर्बनाइजेशन के, क्या कारण, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। प्रॉब्लम ऑफ अर्बनाइजेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ लूप साइडेड अर्बनाइजेशन, लूप्स, इसके जो कुछ कमियां थी अर्बनाइजेशन की वो देखने को आई, जैसे कि इंडिया के एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, स्लम्स एंड स्क्वाटर सेटलमेंट्स, ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, वाटर पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन, इनएडिक्वेट प्रोविजन फॉर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जस्ट लाइक स्कूल, हॉस्पिटल्स, इन सब की व्यवस्था करना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम के रूप में सामने आया। रीअर्बनाइजेशन क्या होता है, द प्रोसेस वेयर बाई टाउन्स एंड सिटीज इन MEDCS विच हैव बीन एक्सपीरियंसिंग ए लॉस ऑफ पॉपुलेशन। अब बात की थी हमने अर्बनाइजेशन की, अर्बनाइजेशन के कारण जो पिछले टाउन्स के पीपल्स थे वो तो शहरीकरण के तहत दूसरे टाउन्स में शिफ्ट हो गए, लेकिन इसके कारण कुछ अन्य टाउन्स से भी पीपल्स की संख्या घटनी शुरू हो गई, लॉस ऑफ पॉपुलेशन देखने को मिला, जिसके कारण डिक्लाइनेशन हुआ उन टाउन्स का, तो उसी को हम रीअर्बनाइजेशन कहते हैं। तो इसके कारण स्टार्ट हुआ रीअर्बनाइजेशन, मूवमेंट ऑफ पीपल इनटू द सिटी सेंटर एंड इनर सिटी एज ए पार्ट ऑफ अर्बन रीजनरेशंस के रूप में। टाउन्स के टाइप्स क्या होते हैं, यहाँ पर कुछ टाउन्स के टाइप्स हम बात करेंगे अभी। टाउन्स एंड सिटीज़ कैन बी क्लासिफाइड एज बाय द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर फंक्शंस, अपने फंक्शंस के आधार पर टाउन्स और सिटीज़ को क्लासिफाइड किया गया है। पीपल ऑफन थिंक्स ऑफ टाउन एज बीइंग ए पर्टिकुलर टाइप्स, दे आर क्लासिफाइड द टाउन बाय आउटस्टैंडिंग फंक्शन, बट ऑल टाउन्स एंड सिटीज़ हैव मैनी फंक्शंस। इस तरह से फंक्शन के आधार पर कुछ टाइप्स हैं टाउन्स के, जो इस तरह से हैं, जस्ट टेम्पल टाउन्स, गैरसियन टाउन्स, पॉलिटिकल कैपिटल टाउन्स, इंडस्ट्रियल टाउन्स, रिजॉर्ट टाउन्स, सीपोर्ट टाउन्स, माइनिंग टाउन्स, एजुकेशनल टाउन्स एंड कंपनी टाउन्स।
और नेक्स्ट होता है मॉडर्न सिटीज टाउन्स हैव वाइड रेंज ऑफ डाइवर्स एक्टिविटीज। टेम्पल टाउन्स में जहाँ पर बहुत अधिक टेम्पल्स होते हैं उसको रिलीजियस टाउन्स या टेम्पल टाउन्स के रूप में डेवलप किया गया था। गैरोसियन टाउन्स जो अलग अलग एक्टिविटी से बिलोंग करते थे। पॉलिटिकल कैपिटल्स टाउन्स जहाँ पर सारी राजनीतिक गतिविधियाँ एक्ट होती थी, जहाँ पर अधिक से अधिक उद्योग डेवलप किए गए उनको इंडस्ट्रियल टाउन कहा गया। रिजॉर्ट टूरिस्ट रिजॉर्ट्स के रूप में जिन टाउन्स को मान्यता मिली उनको रिजॉर्ट टाउन्स, एंड सी पोर्ट्स जो समुद्र के आसपास के पोर्ट्स टाउन्स थे उनको सी पोर्ट टाउन्स या पोर्ट टाउन्स कहा जाता था। जहाँ पर माइनिंग की सुविधा थी, खदानें थी, उन एरियाज को माइनिंग टाउन्स के रूप में डेवलप किया गया। एंड एजुकेशनल टाउन, शैक्षणिक संस्थाएं जहाँ पर सबसे ज़्यादा मौजूद थी उनको एजुकेशनल टाउन्स की कैटेगरीज में लिया गया। कंपनी टाउन जहाँ पर अलग अलग कंपनीज के ब्रांचेस वर्क कर रही थी उनको कंपनी टाउन्स में इंक्लूड किया गया। और मॉडर्न सिटीज़ या मॉडर्न टाउन्स में उन सबको इंक्लूड किया गया जहाँ पर अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ होती थी, डाइवर्स एक्टिविटीज़ जहाँ पर पाई जाती थी। व्हाट हैपन्ड टू सिटीज़ अंडर कॉलोनियल रूल्स। अब हम बात करेंगे जो कॉलोनियल रूल था, उपनिवेश काल था, उसमें सिटीज़ के साथ क्या क्या हुआ। प्रोसेस ऑफ डीअर्नाइजेशन शुरू हुआ भारत में। इन लेट 18th सेंचुरी कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे रोज द इम्पोर्टेंस प्रेजिडेंटी सिटीज, इनको इम्पोर्टेंट प्रेजिडेंसी सिटीज़ के रूप में नियुक्त किया गया, बना दिया गया, बदल दिया गया। एंड सेंटर्स ऑफ ब्रिटिश पावर, अब ये सेंटर्स बन चुके थे ब्रिटिश पावर के। बट द सेम टाइम मैनी स्मॉलर टाउन्स, उसी समय पर जो छोटे छोटे टाउन्स और सिटीज़ थे वो भी डिसअपीयर्स हो गए, ख़त्म होने शुरू हो गए। एंड उनकी जो डिमांड्स थी प्रोडक्शन की वो ख़त्म होनी शुरू हो गई। सम सिटीज़ लॉस देयर कमर्शियल वैल्यू, कुछ सिटीज़ ऐसे थे जिनकी व्यापारिक वैल्यू ख़त्म हो गई, जस्ट लाइक सूरत, श्रीरंगापट्टनम और इवन दिल्ली भी उसमें शामिल किया जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय डीअर्बनाइजेशन, इस हिसाब से डीअर्बनाइजेशन का मीनिंग क्या है। डीअर्बनाइजेशन इज़ द टर्म यूज फॉर द सिटीज़, उन सिटीज़ के लिए यूज़ होने वाली टर्म्स है, विच बिकेम लेस इम्पोर्टेंट, जो कम इम्पोर्टेंट रह गए थे एज दे लूज स्टेटस, क्योंकि अब उनका स्टेटस कम हो चुका था। विच दे माइट हैव इंजॉयड इन द पास्ट, जैसा कि वो पास्ट में इंजॉय करते थे, अब वो उस कैटेगरी से बाहर आ चुके थे। हाउ मेनी दहलीज बिफोर न्यू दहली, हमने बात की अर्बनाइजेशन की, अर्बनाइजेशन में सबसे बड़ा एग्जाम्पल न्यू दहली का आता है। तो न्यू दहली के आगमन से पहले, कंस्ट्रक्शन से पहले कितनी दहलीज थी। इट इज़ द कैपिटल ऑफ मॉडर्न इंडिया, दहली को मॉडर्न इंडिया की कैपिटल के रूप में जाना जाता है। एंड इट हैज़ बीन द कैपिटल फॉर मोर देन 1000 ईयर्स, और यह लगभग 1000 ईयर्स पहले से भी कैपिटल के रूप में बनी हुई है। बट विद सम गैप्स, लेकिन उस समय की दहली में और आज की दहली में कुछ गैप्स देखे जा सकते हैं। एज मैनी एज 14 कैपिटल सिटीज़ वर मेड इन स्मॉल एरियाज ऑफ अबाउट 60 square miles, जैसे कि एज मैनी एज 14 कैपिटल सिटीज बनाए गए थे एक छोटे से स्मॉल एरियाज में 60 square miles की दूरी पर, जो फैला हुआ था रिवर बैंक ऑफ यमुना। द मोस्ट स्प्लेंडेड वाज शाहजहानाबाद, और जिसमें सबसे ज़्यादा फैला हुआ कौन सा था, शाहजहानाबाद, जिसको शाहजहाँ ने बनवाया था। शाहजहानाबाद द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड हिस्टोरिक कैपिटल के रूप में जानी जाती है, शाहजहाँ के द्वारा निर्मित कराई गई। हिस्टोरिक प्लेस ऑफ दिल्ली लाइक रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, चांदनी चौक, वो उसी काल में बनवाए गए थे। यहाँ पर सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि यहाँ के पैक्ड मोहल्लास थे, बाजार थे, दरगाह थी, ईदगाह थे, ये सब बिल्कुल पैक्ड थे। अदर फीचर्स ऑफ द सिटी, ये इनकी फीचर्स के रूप में, इस सिटी की फीचर्स के रूप में जाने जाते हैं। सैड स्टोरी, दिल्ली से रिलेटेड क्या स्टोरी है जो उसको दुखद बनाती है। इट वाज नॉट ए आइडल सिटी, यह एक आदर्श शहर नहीं माना जाता। जो यहाँ की लग्जरीज हैं, विशेषताएं हैं या आनंद है, खुशियां हैं, वो सब केवल रिचर्स के लिए हैं, धनी पीपल से बिलोंग करती हैं। इफ इन वन साइड ऑफ सिटी ह्यूज मेंशन, अगर एक साइड बहुत बड़ी बड़ी विशाल बिल्डिंग है तो दूसरे कॉर्नर पर आप क्राउडेड और मड हाउसेस भी देख सकते हैं, गरीबों के बहुत अधिक भीड़ भाड़ वाले कच्चे घर आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जेंडर डिफरेंस भी बड़ी मात्रा में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर इंजॉय किया जाता है मेंस के द्वारा कविता का युग, द मेकिंग ऑफ न्यू दिल्ली, नई दिल्ली का मेकओवर कैसे हुआ। इन 1803 ब्रिटिश गॉट कंट्रोल ऑफ दिल्ली, 1803 में ब्रिटिशर्स ने दिल्ली को अपने कंट्रोल में लिया था।
बट कंटिन्यूड विद द कलकत्ता एज द कैपिटल, लेकिन उन्होंने उस समय पर कलकत्ता को एज ए कैपिटल अपनी जारी रखा था। द मुगल एम्परर वॉज लिविंग देयर, उस समय मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर वहाँ रहते थे। द मॉडर्न सिटी एज वी नो इज टूडे डेवलप्ड ओनली आफ्टर 1911, आज के समय में जिस शहर को हम जानते हैं वो डेवलप हुआ था 1911 के बाद, जब दिल्ली ब्रिटिशर्स की कैपिटल सिटी के रूप में घोषित की गई थी। अनलाइक द अदर कॉलोनियल सिटीज, अन्य कॉलोनियल सिटीज जैसे कि मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, वेयर द ब्रिटिश लिव इन सेपरेट एरियाज, जहाँ पर ब्रिटिशर्स सेपरेट एरियाज के रूप में रहते थे इंडियन से, इन दिल्ली दे लिव्ड विद इंडियन कम्युनिटीज, लेकिन दिल्ली में वो भारतीय समुदायों के साथ रहते थे। मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में टू टाइप्स के प्लेसेस जाने गए थे, टाउन्स बन गए थे, ब्लैक टाउन्स एंड वाइट टाउन्स। वाइट टाउन्स में ब्रिटिशर्स रहते थे और ब्लैक टाउन्स जो नाम दिया गया था वो इंडियंस टाउन्स को दिया गया था, जहाँ पर इंडियन पीपल्स रहते थे। पीरियड ऑफ दिल्ली रेनेंस, जो दिल्ली के रेनेंस का समय था, जो इसके परिवर्तन का काल था। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली कॉलेज इन 1792, दिल्ली में कॉलेज की स्थापना की गई 1792 में, जिसके कारण एक इंटेलेक्चुअल बौद्धिक विकास हुआ यहाँ पर विज्ञान के क्षेत्र में, मानवता के क्षेत्र में, और लार्जली इन उर्दू लैंग्वेज और मोस्ट ऑफ इन उर्दू लैंग्वेज में। पीरियड फ्रॉम 1830 से 1857 को पीरियड ऑफ दिल्ली रेनेंस का काल माना जाता है। अब रेनेंस यहाँ पर आपको खुद जानना है, स्वयं जानने की कोशिश करनी है। दिल्ली आफ्टर 1857, दिल्ली 1857 के बाद दिल्ली में क्या हुआ। ड्यूरिंग द रिवॉल्ट, 1857 एक हिस्ट्री में जाना जाने वाला काल है, क्रांति के लिए इसको जाना जाता है। ड्यूरिंग द रिवॉल्ट दैट ईयर रिबेल एंटर्ड द सिटी, 1857 में क्रांति की शुरुआत हुई थी, उस स्ट्रगल की शुरुआत हुई थी जो भारत की आज़ादी के लिए शुरू हुआ था। इस समय पर जितने क्रांतिकारी थे, विद्रोही थे, वो सिटी में प्रवेश कर चुके थे एंड परस्यूडेड बहादुर शाह टू बिकेम द लीडर ऑफ अपराइजिंग, और उन्होंने बहादुर शाह को अपना लीडर घोषित करने के लिए परस्यूड किया। हैंस दिल्ली बिकेम इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर 1857 रिवॉल्ट, इस कारण से जो दिल्ली था प्रमुख सेंटर बन चुका था रिवॉल्ट का 1857 में। बहादुर शाह को बर्मा भेज दिया गया। हिज कोर्ट्स वर डिमांडेड, उसकी जो दरबार थे वो नष्ट कर दिए गए, गार्डन्स को बंद कर दिया गया एंड कॉमन पीपल्स वर थ्रोन आउट ऑफ द सिटी, और जो सामान्य नागरिक थे उनको शहर से बाहर फेंक दिया गया। वन थर्ड ऑफ द सिटी वॉज डिमोलिस्ड, शहर का वन थर्ड हिस्सा नष्ट कर दिया गया और कैनल्स को फिल्ड अप कर दिया गया, भर दिया गया। प्रेयर्स डिड नॉट हैपन इन जामा मस्जिद फॉर 5 ईयर्स, यहाँ तक कि 5 ईयर्स तक जामा मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी गई। तो ये सब घटित हुआ दिल्ली के साथ। उसके बाद दिल्ली कैपिटल कैसे बनी ब्रिटिशर्स की, टू डिस्ट्रॉय द सिम्बेलिक इमेज ऑफ दिल्ली, दिल्ली की जो प्रतीकात्मक इमेज थी उसको नष्ट करते हुए ब्रिटिशर्स ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज की दिल्ली में। वायसराय लॉटन ऑर्गेनाइज्ड ए दरबार, वायसराय जो लिटन थे उन्होंने एक दरबार यहाँ पर लगाया, जिसमें वो क्वीन विक्टोरिया जो एम्प्रेस थी, उनकी भारत में साम्राज्ञी मानी जाती थी उस समय ब्रिटिशर्स की तरफ से, उसको जनता के सामने लाया गया, जनता से इंट्रोड्यूस कराया गया। इन 1911 डिसीजन वॉज टेकन टू मेक दिल्ली कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उसके बाद 1911 में निर्णय लिया गया दिल्ली को कैपिटल बनाने का, और टू आर्किटेक्चर्स को नियुक्त किया गया दिल्ली का रेन्यूवर करने के लिए, मीन्स दिल्ली को नया बनाने के लिए, जिसमें एडवर्ड लूथियंस और हर्बर्ट बेकर का नाम शामिल है, और उन्होंने डिज़ाइन दिए, नए नए डिज़ाइन दिए न्यू दिल्ली को और इनकी बिल्डिंग्स को। दिल्ली एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, विभाजन के समय दिल्ली कैसी थी। ड्यूरिंग पार्टीशन ए मैसिव ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन हैपेंड, विभाजन के समय दिल्ली में बहुत बड़ी मात्रा में जनसंख्या का ट्रांसफर शुरू हुआ, बोथ साइड्स ऑफ न्यू बॉर्डर के बोथ साइड से। नंबर ऑफ मुस्लिम्स लेफ्ट दिल्ली, बहुत सारे संख्या थी मुस्लिम्स की जिन्होंने दिल्ली को छोड़ा, लेकिन सिख्स एंड हिंदूज रिफ्यूजेज जो पाकिस्तान से आए थे वो यहाँ आ चुके थे, जिसके कारण जो जनसंख्या थी यहाँ की वो बहुत बड़ी मात्रा में इंक्रीज हुई और कल्चर परिवर्तित हो गई यहाँ की। लार्ज माइग्रेशन हुआ, बड़ी मात्रा में माइग्रेशन हुआ पीपल्स का पंजाब से, और जिसके कारण यहाँ पर दिल्ली का सोशल जो वैल्यूज थी वो भी चेंज हो गई। इसका प्रभाव भी देखने को मिला दिल्ली पर
इनसाइड द ओल्ड सिटी। अब हम बात कर रहे हैं दिल्ली का अर्बनाइजेशन हुआ, तो जो शहर तोड़े गए थे दिल्ली के उनमें क्या खूबियाँ थी इनसाइड द ओल्ड सिटी, उन ओल्ड सिटीज़ में क्या था। एक्सीलेंट सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई, उस समय पर जो पुरानी दिल्ली थी जिसको तोड़ दिया गया था, जिसमें रेन्यूवेयर किया गया था, उसमें एक्सीलेंट सिस्टम था वाटर सप्लाई का जिसको तोड़ दिया गया। एंड ड्रेनेज वाज नेगलेक्टेड इन 19th सेंचुरी, और जो ड्रेनेज सिस्टम था उसको भी नेगलेक्ट कर दिया गया 19th सेंचुरी में। द सिस्टम ऑफ वेल्स, जो बॉलीज थे स्टेप वेल्स थे उनको भी तोड़ दिया गया। एंड कैनल्स जो थी रिमूव कर दिया गया। हाउस होल्ड वेस्ट को भी डैमेज कर दिया गया, जहाँ पर हाउस होल्ड वेस्ट रखे जाते थे उनको भी रिमूव कर दिया गया। दिस वॉज द टाइम वैन पॉल्यूशन अक्लेड इन द सिटी, जिसके कारण उस शहर में उस समय पर बहुत बड़ी मात्रा में पॉल्यूशन की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। एज द ब्रोकन डाउन कैनल्स, क्योंकि नहरें जो थी वो तोड़ दी गई थी, कुड नॉट सर्व नीड्स द रैपिडली इंक्रीज पॉपुलेशन, इसके कारण वो जो तेजी से जनसंख्या बढ़ रही थी उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रही थी। फाइनली एट द 19th सेंचुरी के एंड में शाहजहानी ड्रेन्स वर क्लोज, जो शाहजहानी ड्रेन्स थी वो भी बंद कर दी गई। एंड न्यू सिस्टम ऑफ ओपन ड्रेन्स वाज इंट्रोड्यूस, और ओपन ड्रेनेज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। व्हेन दिस सिस्टम वाज ओवरबर्डन, लेकिन जब यह सिस्टम भी ओवरबर्डन होने लगा, और वेल्थियर इनहेबिटेंट्स कंप्लेन, और जो धनी लोग थे उन्होंने कंप्लेन करना शुरू किया अबाउट द स्टेंच फ्रॉम रोड साइड प्राइवेस, जो रोड साइड ड्रेनेज सिस्टम था और वहाँ से ओवरफ्लो होता था ओपन ड्रेन से, उसकी कंप्लेन करना शुरू किया वेल्थियर पीपल्स ने। बट द दिल्ली म्यूनसिपल कमिटी वाज अनविल टू स्पेंड मनी, लेकिन उस समय पर दिल्ली म्यूनसिपल कमिटी जो थी वो अनिच्छुक थी पैसा खर्च करने के लिए ए गुड ड्रेनेज सिस्टम के लिए। एट द सेम टाइम मिलियंस ऑफ रुपीज वर बीइंग स्पेंट, उस समय पर मिलियंस ऑफ रुपीज खर्च किए गए न्यू दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने के लिए। हवेलीज जो थी बिगेन टू बी सब डिवाइडेड, उस समय पर जो मुगलों की हवेलियाँ थी, बड़ी बड़ी हवेलियाँ थी, उनको डिवाइड कर दिया गया और डिवीजन कर करके उनको बेच दिया गया। बिकॉज मुगल अमीर्स वर अनेबल टू मेंटेन दिस, जो मुगल अमीर्स थे वो उनको अनेबल मेंटेन करने में सक्षम नहीं थे, और उनका एस्टेब्लिशमेंट जो था अंडर कंडीशन ऑफ ब्रिटिश रूल के अंडर में आता था। हेंस हवेलीज वर सब डिवाइडेड एंड सोल्ड, इस तरह से जो हवेलीज थी उनको डिवाइड करके बेच दिया गया और कुछ को नष्ट कर दिया गया। द कॉलोनियल बंगलोज वर मेन फॉर द वन न्यूक्लियर फैमिली, जो उपनिवेश काल के बंगलो थे जो केवल एक संयुक्त न्यूक्लियर फैमिली के लिए बने हुए थे। इट वॉज लार्ज सिंगल स्टोरी स्ट्रक्चर, और बड़े एरिया में सिंगल स्टोरी स्ट्रक्चर्स थे विद पिच रूफ के रूप में इनको बनाया गया था। हवेलीज बिगेन टू सब डिवाइडेड, पिच रूफ के रूप में इनको बनाया गया था, हम पढ़ चुके हैं ये चीज। द म्यूनसिपैलिटी बिगेन टू प्लान, अब म्यूनसिपैलिटी ने क्या प्लान किया था। द म्यूनसिपैलिटी बिगेन टू प्लान सेंसिस ऑफ 1931, जो सूचकांक था 1931 का, उसमें एक शॉकिंग फैक्ट सामने आया कि जो वर्ल्ड सिटी एरिया है वो हॉरिबली क्राउडेड है, बड़ी मात्रा में वहाँ जनसंख्या सिचुएटेड हो गई है। इन द वर्ल्ड एरियाज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वाज 90 पीपल पर एकर, और आंकड़ा ये था कि पर एकड़ भूमि पर 90 पीपल्स रह रहे थे, जो आज हार्डली 3% माना जाता है पर एकड़ भूमि पर। टू इम्प्रूव द लिविंग कंडीशन, उनकी लिविंग कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए लाहौर गेट स्कीम को प्लान किया गया था हर्बर्ट बेकर के द्वारा। द आइडिया वाज टू ड्रॉ रेजिडेंट्स अवे फ्रॉम द ओल्ड सिटी, और उनका विचार था कि जो रेजिडेंट्स हैं, घरों का एरिया है, उसको शहर से बाहर रखा जाए, न्यू टाइप ऑफ मार्केट स्क्वायर से बाहर रखा जाए। बट कंस्ट्रक्शन रिमेन इनकम्प्लीट एंड डिड नॉट हैव द सिटी टू डिकंगस्ट, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन था वो इनकम्प्लीट रहा, और जिसके कारण जो ड्रेनेज वाज ऑल्सो पुअर टिल 1931, जो चेंज मेकओवर होना था शहर का वो नहीं हो पाया, और जो ड्रेनेज सिस्टम था वो भी 1931 तक इनकम्प्लीट बना रहा। दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, उसके बाद 1936 में दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनाई गई, एंड इट बिल्ट एक एरियाज लाइक दरियागंज साउथ प्लेस विद सम नेम्स स्टिल एग्जिस्ट टूडे, और यह प्लेस आज भी इसी नाम से जाना जाता है, और वेल्दी इंडियंस के लिए इसको डेवलप किया गया। हाउसेज वर ग्रुप्ड अराउंड पार्क्स, जो हाउसेज थे उनको ग्रुप कर दिया गया पार्क्स, वेयर प्राइवेसी ऑफ ईच एंड ईच फैमिली मेम्बर्स वॉज टेकन केयर। हैंस वी कैन से दिल्ली इज यूनिक इन इंडियन हिस्ट्री, इस तरह से अगर हम देखें तो भारत के इतिहास में दिल्ली इंडियन हिस्ट्री में
एक यूनिक स्थान रखती है क्योंकि इसने राइज एंड फॉल दोनों काल देखे हैं, विकास का भी और नष्ट होने का भी। टुडे इट इज़ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया, और आज यह हमारे देश की नेशनल कैपिटल टेरिटरी के रूप में जानी जाती है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल। नाउ दिस चैप्टर इज फिनिश्ड हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।